नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। 22 व 23 दिसंबर 1949, जब चुपके से मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई। हिंदू वैरागियों ने 24 नवंबर से मस्जिद के सामने कब्रिस्तान को साफ करके वहां यज्ञ और रामायण पाठ शुरू कर दिया, जिसमें काफी भीड़ जुटी। झगड़ा बढ़ता देखकर वहां एक पुलिस चौकी बनाकर सुरक्षा में अर्धसैनिक बल पीएसी लगा दी गई। पीएसी तैनात होने के बावजूद 22 व 23 दिसंबर 1949 की रात अभय रामदास और उनके साथियों ने दीवार फांदकर राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी और पूजा पाठ का कुछ सामान भी। फिर सुबह के 4 बजे इन्होंने घड़ी घंटाल बजाकर आरती गाना शुरू किया। साथ ही यह अफवाह भी फैलाई कि भगवान राम ने वहां प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा प्राप्त कर लिया है। इस अफवाह को गति देने के लिए पर्चियां भी बांटी गई और भीड़ जमा की गई। 23 दिसंबर की सुबह 9 बजे इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। जब मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार सुबह की नमाज के लिए आए, तब प्रशासन ने उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगकर उन्हें वापस लौटा दिया। कहा जाता है कि अभय राम की इस योजना को गुप्त रूप से कलेक्टर नायर का आशीर्वाद प्राप्त था। वह सुबह मौके पर आए तो भी अतिक्रमण हटवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कब्जे को रिकॉर्ड पर लाकर पुख्ता कर दिया। और फिर कलेक्टर नायर ने मजिस्ट्रेट को लिखा कि मूर्ति को हटाना जोखिम भरा काम है, इतनी भीड़ जमा है, अगर मूर्ति हटाई गई तो दंगे जैसे हालात बन सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट ने उसी दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत कुर्की का नोटिस जारी कर दिया। उधर दिल्ली में नाराज प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पंत को तार भेजकर कहा, अयोध्या की घटना से मैं बहुत विचलित हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे। खतरनाक मिसाइल कायम की जा रही है जिसके परिणाम बुरे होंगे। इस पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने कमिश्नर फैजाबाद को लखनऊ बुलाकर डांट लगाई और पूछा कि प्रशासन ने इस घटना को क्यों नहीं रोका और फिर सुबह मूर्तियां क्यों नहीं हटवाई गई। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट ने विवादित जगह को स्टेट की कस्टोडियल जिम्मेदारी में रख दिया। एडिशनल मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के अंतर्गत आदेश जारी किया और इस जगह को म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन की रिसीवरशिप में रख दिया, मतलब सरकारी रखवाला। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया और इसके साथ ही बाबरी मस्जिद का बतौर मस्जिद इस्तेमाल बंद हो गया। आरएसएस और हिंदू सभा के लोग सक्रिय रूप से मस्जिद में कब्जे की कार्रवाई में सहयोग कर रहे थे। बाद में ये बात सामने आई कि तत्कालीन जिला कलेक्टर नायर और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह दोनों आरएसएस से जुड़े थे। नायर तो बाद में जनसंघ के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीते। साल 1950, मूर्ति को ना हटाने की याचिका। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल जज की अदालत में सरकार और मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दायर कर कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित श्री भगवान राम और अन्य मूर्तियों को हटाया ना जाए और उन्हें दर्शन और पूजा के लिए जाने से रोका ना जाए। सिविल जज ने उसी दिन एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर दिया, जिसे बाद में मामूली संशोधनों के साथ जिला जज और हाई कोर्ट ने भी अनुमोदित कर दिया, जिसमें मुसलमानों को मूर्ति हटाने से रोका गया था। इसके बाद दिसंबर 1950 में रामचंद्र दास परमहंस ने भी याचिका दायर की। इसमें मांग की गई कि लोगों को बिना किसी पाबंदी या दखलअंदाजी के वहां पर पूजा और दर्शन की इजाजत दी जाए। फरवरी 1951 में फैजाबाद सिविल जज ने विशारद और परमहंस की याचिकाओं को एक में जोड़ दिया। साल 1959, निर्मोही अखाड़ा का दावा। बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रखे जाने के बाद मजिस्ट्रेट एम सिंह ने प्रियदत्त राम को उस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया था। इसी के खिलाफ निर्मोही अखाड़ा ने याचिका दायर। इस याचिका में अपील की गई कि मंदिर के प्रबंधन संबंधी कामों में प्रियदत्त राम को हटा दिया जाए और यह जिम्मेदारी अखाड़ा को सौंप दी जाए। इनका दावा था कि ये राम जन्मभूमि के कस्टोडियन हैं,
ये याचिका दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़ा की ओर से महंत रघुनाथ ने फैजाबाद सिविल जज की अदालत में डाली। इसमें दावा किया गया कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद है वहीं प्राचीन काल में एक मंदिर हुआ करता था और वो जमीन अखाड़ा की थी। साल 1961 चौथी याचिका सुन्नी सेंट्रल वफ बोर्ड की। साल 1961 में सुन्नी वफ बोर्ड और 9 स्थानीय मुसलमानों की ओर से चौथा मुकदमा दायर हुआ। इसमें न केवल मस्जिद बल्कि अगल बगल कब्रिस्तान की जमीनों पर भी मुसलमानों के हक का दावा किया गया। जिला कोर्ट 3 हिंदू पक्ष के याचिका, जिसमें निर्मोही अखाड़े की भी याचिका शामिल है और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका को मिलाकर 4 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने लगी। ये बन गया मुकदमा संख्या 12/1961। यह अयोध्या विवाद से जुड़ा मुख्य केस है। 2 दशक से ज्यादा समय तक यह एक सामान्य मुकदमे की तरह चलता रहा और इसकी वजह से अयोध्या के स्थानीय हिंदू मुसलमान अच्छे पड़ोसी की तरह रहते रहे। साल 1980 जब मस्जिद बनाम मंदिर के मुद्दे बनाए गए। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों के विलय से बनी जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन इनकी आपसी फूट से सरकार 3 साल भी नहीं पूरे कर पाई। इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आ गईं। इसके बाद संघ परिवार ने मंथन शुरू किया कि अगले चुनाव से पहले हिंदुओं को कैसे राजनीतिक रूप से एकजुट करें। हिंदुओं के 3 सबसे प्रमुख आराध्य राम, कृष्ण और शिव से जुड़े स्थानों अयोध्या, मथुरा और काशी की मस्जिदों को केंद्र बनाकर आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनी। 7 व 8 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन कर 3 धर्म स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया। चूंकि काशी और मथुरा में स्थानीय समझौते से मस्जिद से सटकर मंदिर बन चुके हैं, इसलिए पहले अयोध्या पर फोकस करने का निर्णय किया गया। साल 1984 रथ यात्रा का प्लान। 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। एक मोटर का रथ बनाया गया जिसमें राम जानकी की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। 25 सितंबर को यह रथ बिहार के सीतामढ़ी से रवाना हुआ। 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचते पहुंचते हिंदू समुदाय में अपने आराध्य को इस लाचार हालत में देखकर आक्रोश और सहानुभूति पैदा हुई। मुख्य मांग यह थी कि मस्जिद का ताला खोलकर जमीन मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को दे दी जाए। इसके लिए साधु संतों का राम जन्मभूमि न्यास बनना। प्रबल जन समर्थन जुटाती हुई यह यात्रा लखनऊ होते हुए 31 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची। उसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उत्पन्न अशांति के कारण 2 नवंबर को प्रस्तावित विशाल हिंदू सम्मेलन और आगे के कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। साल 1986 उग्र आंदोलन को देखते हुए जब ताला खोला गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए आम चुनाव में राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला और वह राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अनुभवी नहीं थे और इसी बात का फायदा जनसंघ के लोगों ने उठाया। विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद का ताला खोलने के लिए 1984 के आंदोलन को तेज किया और शिवरात्रि 6 मार्च 1986 तक ताला ना खुला तो जबरन ताला तोड़ने की धमकी दी। लेकिन फरवरी महीने में ही फैजाबाद जिला न्यायालय ने मस्जिद पर लगा ताला खोले जाने का आदेश दिया। 37 सालों बाद ये ताला खुला। कहा जाता है कि दबाव में आकर राजीव गांधी और उनके साथियों ने फैजाबाद जिला अदालत में एक ऐसे वकील उमेश चंद्र पांडे से ताला खुलवाने की अर्जी डलवाई जिसका वहां दायर मुकदमों से संबंध नहीं था। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान ने जिला जज की अदालत में उपस्थित होकर कहा कि ताला खुलने से शांति व्यवस्था कायम रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बयान को आधार बनाकर जिला जज के.एम. पांडे ने ताला खोलने का आदेश कर दिया। घंटे भर के भीतर ही इस पर अमल करके दूरदर्शन पर समाचार भी प्रसारित कर दिया गया, जिसे यह धारणा बनी कि यह सब प्रायोजित था। इसके बाद ही पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद का पता चला। प्रतिक्रिया में मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद की रक्षा के लिए बाबरी मोहम्मद आजम खान
और जफरयाब जिलानी की अगुवाई में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन कर जवाबी आंदोलन चालू किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों के तरफ से देश भर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगी। भाजपा खुलकर मंदिर आंदोलन के साथ आ गई। साल 1989 मंदिर का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके अनुरोध किया कि चारों मुकदमे फैजाबाद से अपने पास मंगाकर जल्दी फैसला किया जाए। 10 जुलाई 1989 को हाईकोर्ट ने मामले अपने पास मंगाने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को स्थगना आदेश जारी किया कि मामले का फैसला आने तक मस्जिद और सभी विवादित भूखंडों की वर्तमान स्थिति में कोई फेरबदल ना किया जाए। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर को राम मंदिर के शिलान्यास पर देश भर में शिला पूजन यात्राएं निकलवाने की घोषणा की। राजीव गांधी के कहने पर गृह मंत्री बूटा सिंह ने 27 सितंबर को लखनऊ में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बंगले पर विश्व हिंदू परिषद से इन यात्राओं के शांतिपूर्ण ढंग से निकालने का वादा लिया। अशोक सिंगल, महंत अवैधनाथ और उनके साथियों ने शांति सौहार्द और हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक यथास्थिति बनाए रखने का लिखित वादा किया। राजीव गांधी ने राम राज्य की स्थापना के नारे के साथ अपना चुनाव अभियान फैजाबाद से शुरू किया। उधर विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से कुछ दूरी पर शिलान्यास के लिए झंडा गाड़ दिया। सरकार इस बात को साफ करने के लिए हाईकोर्ट में गई कि क्या प्रस्तावित शिलान्यास का भूखंड विवादित क्षेत्र में आता है या नहीं। 7 नवंबर को हाईकोर्ट ने फिर स्पष्ट किया कि यथास्थिति के आदेश में वह भूखंड भी शामिल है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहकर 9 नवंबर को शिलान्यास की अनुमति दे दी कि मौके पर पैमाइश में वह भूखंड विवादित क्षेत्र से बाहर है। माना जाता है कि संत देवराह बाबा की सहमति से किसी फॉर्मूले के तहत मस्जिद से करीब 200 फुट दूर शिलान्यास कराया गया। शिलान्यास तो हो गया लेकिन मुसलमान समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया देखकर सरकार ने आगे का निर्माण रोक दिया। साल 1989 में ही सभी याचिका की सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। साल 1990 बीजेपी राम मंदिर आंदोलन में खुलकर कूदी, जिसको हेड किया लाल कृष्ण आडवाणी ने। आडवाणी देश भर में माहौल बनाने के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से 30 अक्टूबर तक अयोध्या की रथ यात्रा पर निकले। देश में कई जगह दंगे फसाद हुए। लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में ही गिरफ्तार करवा के रथ यात्रा रोक दी। उधर यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस यात्रा का विरोध करते हुए आडवाणी को चेतावनी दी, कहा उन्हें अयोध्या में घुसने की कोशिश करने दो, हम उन्हें सिखाएंगे कि कानून का मतलब क्या होता है। कोई मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। मुलायम सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद 30 अक्टूबर को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। लाठी गोली के बावजूद कुछ कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। दोपहर को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर फायरिंग का आदेश दिया। पुलिस ने गोलीबारी की, भगदड़ मच गई, कई लोग मारे गए। 2 नवंबर के दिन फिर से कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी मगर कार सेवक नहीं रुके। पुलिस ने फिर फायरिंग की, इस रोज भी कई लोग मारे गए। पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों की आधिकारिक संख्या 17 बताई जाती है। इसके बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। वे हिंदुओं में बेहद किनारे कर दिए गए और अगले विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी तरह हार हुई। नाराज बीजेपी ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस लिया। जनता दल के अंदर भी देवीलाल ने बगावत कर दी। साल 1991 मस्जिद के सामने के बची जमीन पार्क के लिए विश्व हिंदू परिषद को दी गई। 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई और कांग्रेस के बुजुर्ग नेता नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव में भाजपा के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। सरकार बनते ही कल्याण सिंह सरकार ने मस्जिद के सामने की 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के लिए अधिग्रहित कर ली।
रामकथा पार्क के लिए अधिग्रहित 42 एकड़ जमीन लीज पर विश्व हिंदू परिषद को दे दी गई, लेकिन संघ परिवार की मंशा अलग थी। मस्जिद के सामने पर्यटन के लिए अधिग्रहित जमीन पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मंदिर निर्माण शुरू कर दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। नरसिम्हा राव सरकार ने संतों को समझा बुझा कर यह निर्माण रुकवाया।